अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यकीन आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली, वो कैश लर्निंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग 5 ऐसी वेबसाइट्स को थ्रू करने जा रहे हैं जिनके ज़रिए आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अफेक्टिव ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल डिज़ाइन कर सकते हैं, और रिसोर्सेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग एसेट्स हैं विद द हेल्प ऑफ AI। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक AI टूल है जो यूटिलाइज होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। यहाँ पर लेट्स इन्हेंस इस वेबसाइट का नाम है, और अगर आप इस टूल को यूटिलाइज़ करते हैं गाइस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड अफेक्टिव है। यहाँ पर आप हाई रेजोल्यूशन के इमेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो आप इसको हाई रेजोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से गाइस आप स्केलिंग कर सकते हैं, करेक्ट कलर कर सकते हैं, रिमूव जेपिक्स आर्टिफैक्ट कर सकते हैं, इसी के साथ साथ लाइटिंग अप करनी है, लाइटिंग लो करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सोल्यूशन पे, तो यहाँ पर प्रिंटिंग है, बैकग्राउंड रिमूवल करना चाहते हैं आप किसी भी पिक्चर का तो भी वो भी अवेलेबल है। पिक्चर की क्वालिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो टूल अवेलेबल है। पिक्चर की रेजोल्यूशन की आप स्केलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो अवेलेबल है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग मैथड है हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। सिंपल गाइस, आपको यहाँ पर अपनी पिक्चर ड्रॉप करनी है जिसको आप अप स्केल करना चाहते हैं, डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और मैजिक बीटा के ज़रिए आप कोई भी पिक्चर को जनरेट कर सकते हैं। राइट हियर सम डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर कोई भी पिक्चर को अप स्केल करना है तो आप यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ सिस्टम में है तो पिक्चर को हम अपलोड करते हैं। सो यहाँ पर गाइज इस पिक्चर को मैंने अपलोड किया है, यहाँ पर इसका इनपुट बता रहा है, इसके रेजोल्यूशन जो स्टेटस है वो 80% था। रेडी टू प्रोसेस के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप स्टार्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो 100% पर इसकी रेजोल्यूशन क्लैरिटी पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से किसी पिक्चर को आप स्केलिंग कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट टू लॉग इन फ्रॉम योर एनी अकाउंट। तो हमने भी यहाँ पर सिंपल लॉग इन कर लिया था अपने किसी भी अकाउंट से, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 मिनट्स के अंदर आपकी पिक्चर जो 80% अप स्केलिंग रेट था वो 100% पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा यूजिंग दिस अमेजिंग लेट्स इन्हेंस वेबसाइट के थ्रू। तो इट्स टेक फ्यू टाइम। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पर जो है वो इन्हेंसमेंट इसकी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर बिफोर पे क्या पिक्सल्स थे और आफ्टर पे क्या पिक्सल्स हो गए, मतलब कितनी परसेंट ये इन्हेंस ये आप स्केल हो चुकी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। सिंपल डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और ये आपके पिक्चर जो है वो आप स्केलिंग के ज़रिए खुद ही स्ट्रेच भी हो गई और इसकी जो क्लैरिटी है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर ये पिक्चर हमारे पास डाउनलोड हो गई है, हम इसको रन कराते हैं और नाउ वी आर गोइंग टू सी। तो ऑटोमेटिकली इसकी देखें आप क्लैरिटी कितनी ज़बरदस्त हो गई, और आप स्केलिंग के हवाले से ये पिक्चर भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो चुका है इसका मेथड। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट वेबसाइट इज अ लूनी, और यहाँ पर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। असल में ये वेबसाइट जो है वो आइकन 8 के हवाले से डिज़ाइन की गई, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जिस तरीके से हमें ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से चाहिए होते हैं। हमें किसी पिक्चर को अपनी स्केल करना होता है जब उसको लार्ज करें तो उसकी रेजोल्यूशन ख़राब ना हो, इसी के साथ साथ इफ़ यू वांट टू क्लिक ऑन द रिमूव द बैकग्राउंड, टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। लाइक इस तरीके से यहाँ पर प्रीव्यू दिखाया जा रहा है, वाटर को जनरेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी गाइस वो सारे फीचर्स हैं जो ऑब्वियसली आप फिग्मा के लिए या UI UX डिज़ाइनिंग के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूटिलाइज़ करते रहते हैं। सो सिंपल मेथड के अंदर लॉग इन कर लीजिएगा और देन आप यहाँ से सारे फीचर्स को इसके गेट कर सकते हैं। सो मूव ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट इज़ ऑटो ड्रॉ, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है गाइस। सिंपल ड्राइंग करनी है आपने तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। लाइक इफ आई वांट टू ड्रॉ समथिंग, तो यहाँ पर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। इसी के साथ साथ अगर इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है इस लाइन को, तो वी कैन ईजिली कन्वर्ट दिस लाइन ऑन द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टूल है, और यहाँ पर अगर आप कोई और क्रिएटिविटी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टूल हैं जिनको यूटिलाइज करके आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, एंड फर्दर मोर कोई भी डिज़ाइनिंग यू कैन वांट टू ऐड तो आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, तो आसानी से कलर भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो ये एक ऑटो ड्रॉ है एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप हर एक चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत इजी अमेजिंग मेथड्स है। सो इट्स आल्सो अ वेरी यूजफुल फॉर डिज़ाइनर्स। सो मूव ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट इज़ अ लोगो मेकर,
और यहाँ पर गाइस आप ऑटो जनरेट लोगो कर ले सकते हैं और अपने बिजनेस को रन अप कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसके अलावा इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सम इंस्पायरेशन, तो यहाँ से वो इंस्पायरेशन भी आप गेट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हॉट आइडिया वगैरह हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है गाइज, ये हमें लिमिटेड टाइम के अंदर लोगो क्रिएट करके दे देती है. तो ज़्यादा मेहनत करने की स्ट्रगल नहीं, जैसे अगर आप बिगनर हैं तो आपको नहीं पता हाउ टू डिज़ाइन लोगो, तो यहाँ से गाइज आपका ये लोगो बनकर आ गया है. यहाँ पर हॉट आइडिया टैग्स है, यहाँ पर पाए है, इसी के साथ साथ क्लिप आर्ट आइकन है, तो सब लेयर्स यहाँ पर बनी हुई है. और इसी के साथ अगर किसी भी लेयर पर रखते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, ये देखिए आप कलर चेंज हो रहा है. इसी तरीके से जो भी लेयर आपको रिक्वायर्ड होगी आप इजीली उसके ऊपर काम कर सकते हैं. अगर मैं इसको येलो करना चाहूँ तो ये देखिए मैं इसको येलो कर सकती हूँ. तो ये लोगो आ गया. टैक्स पर आते हैं, टैक्स को डबल क्लिक करें, इफ़ यू वॉन्ट टू एड इट फायर सो यू कैन ईजिली री एडिट. सिंपल इसको डाउनलोड कर लें, सेव करें, और यू कैन ईजिली गेट फॉर योर बिजनेस परपजिंग. तो सिंपल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास आसानी से. तो बहुत ईजी और अमेजिंग जो है ये वेबसाइट है. अगर आप न्यू कमर हैं तो दे आर दी यूजफुल फॉर यू. सो मूव ऑन दी लास्ट वेबसाइट. सो वन ऑफ माई फेवरेट रीज़न इज़ दैट गाइज, अक्सर ऐसा होता है कि हम जो हमें जो वेबसाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं उनके पीछे बैकग्राउंड होता है. सो यहाँ पर किसी भी पिक्चर को, अच्छा यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट भी, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना आसानी से कर सकते हैं. और यहाँ पर जेपीईजी, पीएनजी और वेब पी इमेजेस भी गेट कर सकते हैं. साइज़ यहाँ पर अवेलेबल, रेजोल्यूशन भी अवेलेबल है. इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टूल है जो कि बहुत यूज़फुल है डिज़ाइनिंग के लिए. सो आई होप गाइस आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा. सो लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.